नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। आज के वीडियो में दीपक फर्टिलाइजर सर का डिटेल्स में प्राइस को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का चार्ट सेटअप शो कर रहा है एंड अभी जो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इस ब्रेकडाउन के बाद किस टाइप का प्राइस एक्शन बनने का प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है दीपक फर्टिलाइजर्स का। टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड टॉम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक इन्वर्टेड कॉप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। देखिए ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल एंड यहाँ पे प्राइस जो है इन्वर्टेड कॉप एंड हैंडल पैटर्न कंस्ट्रक्ट किया है, उसका नेकलाइन को देखिए प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक का वैल्यूएशन देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट पी में अवेलेबल है अगर उसी सेक्टर का अदर स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे तो। जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स का पी अभी चल है 12.96 एंड उसका जो पीयर्स है एसआरएफ, पीडीलाइट, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज इंडस्ट्री, सबसे जो लोएस्ट पी यहाँ पे चल रहा है दीपक नाइट्रेट का, उसके बाद टाटा केमिकल्स का 14 के आसपास, लेकिन दीपक नाइट्रेट यहाँ पे 12.96 के ऊपर चल रहा है। उसके साथ प्राइस सेटअप में यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, अगर आप सिर्फ इस सिंगल चार्ट को देखेंगे ना, ये जो इन्वर्टेड कॉप एंड हैंडल पैटर्न, इसका तो ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे देखिए एक मल्टीयर का सपोर्ट भी आ रहा है जो कि प्राइस के लिए प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, जो 2017 का हाई था, नियरली लेवल था 490 के आसपास। आज पर तो प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट। जैसे कि 490 का लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस था एंड यहाँ पे प्राइस उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए वही लेवल अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। ये तो हो गया एक माइनर सपोर्ट बिकॉज प्राइस प्रीवियसली देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लिया है। जैसे कि प्रीवियसली हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस कर चुके हैं किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, प्राइस अगर डायरेक्ट हिट करता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि प्राइस यहां पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन कर चुका है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस सपोर्ट को प्राइस यहां पे ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहां पे स्टॉक का प्राइस एक 21 इयर्स का सपोर्ट का पास में आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट हुआ था देखिए नियरली 2002 से। अगर यहां पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूंगा तो देखिए जो ट्रेंड लाइन यहां पे जा रहा है लगभग 2002 से एंड इसी लेवल को देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट किया है जो कि 2002 से स्टार्ट हुआ है। देखिए जब भी प्राइस इस ब्लैक लाइन के आसपास आ रहा है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। ये सारा लेवल देखिए 2002 के बाद हमेशा से इस ब्लैक लाइन से प्राइस को डिमांड मिला था एंड टेम्पोरली यहाँ पे 2019-20 में प्राइस ब्रेकडाउन किया, लेकिन फिर से रिकवरी कर लिया। ओके, तो जो ब्लैक लाइन है ना अभी भी वैलिड है इस स्टॉक का प्राइस के लिए, जो मल्टीयर का सपोर्ट जो कि लेवल बन रहा है नियरली 400 के आसपास। अगर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 400 और 430 इसी जोन में एंट्री कर लेता है, एक बेस्ट जोन रहेगा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए जिनके पास है क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी बेस्ट जोन बन सकता है 400 से 430। देखिए वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो गया है एंड मल्टीयर का सपोर्ट जोन के आसपास आ जाएगा, एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। 400 से 430 जोन में अगर एंट्री करता है एक बेस्ट जोन बनेगा, एक बेस्ट जोन बनेगा इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, क्योंकि देखिए 400 और 430 जोन में पहले तो हो गया एक 22-21 इयर्स का एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, मल्टीयर का सपोर्ट जा रहा है, उसके साथ प्राइस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को भी ब्रेक कर रहा है, उसके साथ सबसे लोएस्ट पीक के ऊपर अभी कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर का और अदर स्टॉक के साथ, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी आई कि स्टॉक 400 और 430 के आसपास होल्ड हो सकता है एंड इसी लेवल से यहाँ पे रिवर्स, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो स्टॉक को आपका रडार में रखिएगा। अगर अभी के लिए हम दीपक फर्टिलाइजर वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट देखेंगे, उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे FIDI दोनों शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि और एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटेल यहाँ पे शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर दीपक फर्टिलाइजर वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट देखेंगे तो रेशियो चार्ट में यहाँ पे उसका सपोर्ट को देखिए प्राइस ब्रेक किया है, नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, थोड़ा सा नीचे बन रहा है, तो एक बार प्राइस
नेक्स्ट 1 से 2 मंथ शायद प्राइस अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जो ग्रीन लाइन जा रहा है ना, जा रहा है मॉल्टियर का सपोर्ट जो कि स्टार्ट हुआ था ईयर 2000 से, तो लगभग यहाँ पे 24 ईयर्स का सपोर्ट जा रहा है, जो कि देखिए नीचे थोड़ा आ सकता है, तो प्रोबेबल यह है कि प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है एंड इस लेवल से राशियो चार्ट यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। राशियो चार्ट क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, चैनल में सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम सारा सीनोर देखेंगे, राशियो चार्ट को एक गैप को फिलअप करना है एंड प्राइस भी और 70 से 80 पॉइंट नीचे आना है एंड वैल्यूएशन भी ठीक ठाक अभी बैलेंस हो गया है। अगर सारा पैरामीटर देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट बन रहा है नियरली 400 से 430 के आसपास। तो अभी के लिए आप अलर्ट प्लेस कर दीजिएगा 430 के आसपास, जब भी आएगा उसी केस में हम कंसीडर कर सकते हैं। पैनिंग होने की कुछ जरूरत नहीं है, टॉप में बना है इन्वर्टेड कॉपर हैंडल पैटर्न, उसी हिसाब से और 70-80 पॉइंट करेक्शन आ सकता है जो कि नॉर्मल है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक का प्राइस ने। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे, कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।